हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैंने लिया है कैनवास, राउंड ब्रशेस और एक्रिलिक कलर्स। कोई भी कंपनी का एक्रिलिक कलर्स ले सकते हैं। और मैं आज लैंडस्केप बनाने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल इजी वे में, फ्लावर और स्काई और रिवर के साथ। तो सिंपल इजी वे में आपको बता रही हूँ। देखिए, ऐसे ही स्केचिंग करनी है, कोई और स्केचिंग नहीं करनी है। और इसको बैकग्राउंड को कलर करते हुए ऊपर मैं स्काई का बना रही हूँ, थोड़ा सा ऑरेंज कलर वाइट कलर मिक्स करते हुए, थोड़ा सा वाटर में डिप करते हुए। और स्काई का तो आप जानते ही हैं, स्काई कलर यूज़ करना होता है, तो उसमें भी वाइट कलर थोड़ा सा मिक्स करते हुए। इस तरह छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं, फैब्रिक्रिलिक कैमल्स वगैरह, ट्यूब वगैरह, कोई भी आप लोग ले सकते हैं। वाटर कलर में भी बना सकते हैं। और ये कैनवास आप 16x21 इंचेस या फिर A4 A2 साइज का ले सकते हैं आप लोग, कोई भी चलेगा। रेडीमेड मैंने कैनवास लिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग होममेड कैनवास वाला भी वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। और लाइव क्लास में मैंने एक बड़ा सा कैनवास बनाया था, तो वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पे। तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को सीखने को मिले। और एफबी पेज है मेरा आर्टिस्ट नेहा किरण के नाम से, उसे भी आप लोग फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम से आईडी है, आर्टिस्ट नेहा किरण, तीनों ही जगह सेम नेम आईडी है। तो आप लोग सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, वीडियो को अधिक शेयर करें, तीनों जगह आपको आर्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी। और लाइव क्लास में अटेंड करने पर आप लोग को सर्टिफिकेट भी मिलेगी। तो कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग कैसा लगा। देखिए, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर बीच में मैंने लगाया है और सेम वही स्काई कलर वाइट कलर करते हुए नीचे डार्क करते हुए वो मैं, और लास्ट में ब्लैक मिक्स करते हुए मैं वहाँ पे बनाऊँगी, थोड़ा सा झाड़ी और फ्लावर वहाँ पे बनाऊँगी। और बादल के लिए मैंने वाइट कलर से थोड़ा सा राउंड ब्रश से मूव किया है। तो इस तरीके से मैंने बनाया है। और सेम यही चीज़ ये मैंने लाइव क्लास में ही बनाया था। तो आप लोग अगर स्लो प्रोसेस से देखना चाहते हैं लाइव में, तो उसके लिए आप ही पेज पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। और फास्ट वीडियो मुझे मेरे यूट्यूब पे चैनल पे मिलेगी यहाँ पे, जो आप लोग देख रहे हैं। तो वीडियो को जल्दी शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोग आर्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स वगैरह जुड़ सकें। देखिए, यहाँ पे ब्लैक कलर मैंने लिया हुआ है, या आप फिर पर्शियन ब्लू कलर भी आप लोग ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें लंबे लंबे लाइन बनाने हैं और थोड़ा सा फ्लावर इफेक्ट डॉट टाइप से देना है, थोड़ा सा झाड़ी का जो इफेक्ट होता है दूर से देखने पे वैसा लगे। बहुत इजी है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ स्केचिंग वगैरह भी नहीं है। इस तरीके से टेक्चर हमें देते जाना है, लाइन्स देते जानी है। ओके, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, लग रहा है ना कितना खूबसूरत। बहुत ही कम कलर मैंने यूज किया हुआ है और सिंपल इजी लैंडस्केप मैं आप लोग को बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने राउंड ब्रश, फ्लैट ब्रश आप लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे हाईलाइट के लिए मैं यहाँ पे कहीं कहीं येलो कलर मैंने यहाँ पे लगाया है, जो फ्लावर झाड़ी का इफेक्ट है। ग्रीन कलर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पिंक कलर वाइट कलर से मैं यहाँ देखिए इस तरीके से राउंड ब्रश में मैं फ्लावर बना रही हूँ। बहुत ही इजी है, देखिए मैंने जूम किया, बस टैप टैप करते जाना है ब्रश को इस तरीके से, तो वो फ्लावर इफेक्ट ले लेगा। उसकी डालियाँ तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बना ली थी, जो आप लोग को दिखाया आप लोग को। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऑरेंज कलरफुल हर तरीके का फ्लावर मैंने यहाँ पे, जैसे ट्यूलिप फ्लावर होती है उस तरीके का यहाँ पे ब्लूमिंग का बनाया। देखिए वहाँ रिवर का पता चल रहा है कि स्काई कलर मैंने क्यों लगाया था, और हल्का सा रिवर में वाइट ऑरेंज करके मिक्स करते हुए बनाया है, स्काई को दिखाया हुआ है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वाइट कलर से एक बार और हम लोग हाईलाइट करेंगे ताकि बादल को और भी क्लाउड्स को और अच्छे से उभर कर आए। देखिए, बस चौड़े से राउंड ब्रश को लेना है और उसको मूव राउंड राउंड करते जाना है। यहाँ पे लाइन दिया ताकि वो पता चल सके। इस तरीके से छोटे छोटे आप कैनवास पेंटिंग बनाकर वॉल पे लगा सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ लाइक।